वर्तमान में युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब रामपुर दत्तनगर लगातार प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजन करने से लेकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। क्लब खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया थीम से लेकर आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में क्लब ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को SDM रामपुर नरेंद्र चौहान के माध्यम से सम्मानित भी किया। स्पोर्ट्स क्लब का कहना है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र स्कूली अथवा ओपन चैंपियनशिप में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को लगातार सम्मानित भी करता रहा है ताकि क्षेत्र के दूर दराज से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वाले क्षेत्र से संबंधित जितेंद्र जिन्होंने ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि स्कूली खेलों में सुनीता ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा स्कूली खेलों में निशांत व अनिता ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है और वे चाहते हैं कि युवाओं को जिन्होंने खेल में अच्छा काम किया है उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और सम्मानित किया जाए ताकि खिलाड़ियों को देखकर अन्य युवा भी खेलों के प्रति आकर्षित हों। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलों के दौरान बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली सुनीता ने कहा कि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। खेल कोई भी सुविधा एवं पसंद अनुसार चुने ताकि वे इस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकें और नशे जैसी कुरीतियों से दूर रह सकें। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि स्पोर्ट्स एक अच्छी पहल है। जितेंद्र ने कहा कि स्पोर्ट्स में सभी को आगे आना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में 4 बलात्कारियों की मौत पर सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। सबका ये मानना है कि जो ये घटना घटी है उसका पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अगर ये बलात्कारी बच जाते तो वे लचीले कानून का फायदा उठाकर समाज में और जघन्य अपराध कर सकते थे। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधी कानून की लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाकर ऐसे अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं, जिस पर सख्त कानून लाना चाहिए ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप एवं भाजपा प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि हैदराबाद में जो दिल दहला देने वाला अपराध हुआ है वे बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चारों बलात्कारी आज भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और ये उन्हें उचित सजा भी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों पर तब तक अंकुश नहीं लगाया जा सकता है जब तक देश में कानूनी प्रक्रिया तेज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए निर्भया कानून तो बनाया गया है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है, इसलिए अपराधी दरिंदे इस बात का लाभ उठाकर दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। सोलन के पुलिस लाइन में अपराध बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने की। इस मौके पर जिला सोलन के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने जिला में हो रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले की गंभीरता से जांच की जाए ताकि पीड़ितों को निष्पक्ष इंसाफ मिल सके। इस मौके पर जिला में बढ़ रहे साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और इस पर नियंत्रण करने पर विचार विमर्श किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि आज सेबी से आए अधिकारियों ने यहां उपस्थित अधिकारियों और व्यवसायियों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे किस तरह से ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड से बच सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वे अपना पैसा कहां निवेश कर सकते हैं और कहां कहां उनको पैसा सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर नशे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और लोगों और अधिकारियों को जागरूक करने का आग्रह भी किया गया। सेबी से आए अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि
आजकल निरंतर साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे केवल जागरूक रहकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले तो साइबर क्राइम गली गलौज तक सीमित नहीं था, लेकिन अब लोग पैसा ऐंठने के लिए इसका भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले तो साइबर क्राइम गाली गलौज तक सीमित था, लेकिन अब लोग पैसा ऐंठने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए देश के नागरिकों को चाहिए कि वे किसी भी तरह के बैंक अकाउंट नंबर और घर का पता किसी से भी साझा ना करें, अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना दें, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके।